Hello everyone. Now in this video section we will discuss one more problem which is based on the minimization of DFA. Now as you can see here in the previous video section we have discussed about the minimization of DFA by using table filling algorithm. Okay, so in the हमने पिछले video section में जो है minimization of DFA की बात की थी, जो कि हम state minimization की जगह table filling algorithm के through हम मिनिमाइज़ कर रहे थे, जिसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स यानी कि एक गिवन डीएफए होता है उस डीएफए के करस्पॉन्डिंग हमें एक मिनिमल डीएफए बनाना होता है या उसको कन्वर्ट करना होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक और डीएफए दिया हुआ है। ये एक डीएफए है जिसमें आप देख सकते हैं हर स्टेट पर हर इनपुट सिम्बॉल का ट्रांजिशन जो है आपको मिलेगा। ओके, 01 ये गिवन डीएफए है, ये किसी लैंग्वेज को रिकोगनाइज़ कर रहा है, किसी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को रिकोगनाइज़ कर रहा है। हमें इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा DFA बनाना है जो कि मिनिमल हो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में बनाया जा सकता हो। सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस DFA इनटू इट्स इक्विवेलेंट मिनिमल फॉर्म। सो आपको पता है कि जब हम किसी मिनिमल DFA की बात करते हैं तो हम जो है दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो हम स्टेट मिनिमाइजेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम टेबल फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। स्टेट मिनिमाइजेशन की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेट मिनिमाइजेशन मेथड जो है वो डिस्क्रीट का पार्ट है और वो जनरली मशीन्स के अंदर जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, बट जो टेबल फिलिंग एल्गोरिदम है वो सिर्फ और सिर्फ हम जनरली DFAs के केस में ही यूज़ करते हैं, इसलिए हम टेबल फिलिंग एल्गोरिदम को ही जो है प्रेफर करेंगे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो हमें पता है कि जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना है मिनिमल DFA का, या मिनिमल DFA जो है हमें किसी DFA को मिनिमल DFA में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले हमें जो है टेबल बनानी है। ओके, और टेबल बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम टेबल बना रहे हैं, सो पहला स्टेप हम कह सकते हैं स्टेप नंबर 1 कंस्ट्रक्ट टेबल हैविंग वन लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज कंपेयर टू द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द DFA विच इज़ गिवन। ओके, सो इस DFA में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वी हैव 6 स्टेट्स, हमारे पास 6 स्टेट्स हैं इस DFA के अंदर, और हमें जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो नंबर ऑफ रोज जो यहाँ रखने हैं वो हमारे होंगे 5। ओके, सो तो टेबल बहुत ध्यान से बनानी है। इस टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार टेबल सही बना ली तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं। ओके,
एक दो तीन चार पांच, नाउ यू कैन सी दिस इज द टेबल विच इज हैविंग फाइव रोज एंड फाइव कॉलम्स. ओके, नेमेंक्लेचर आपको कैसा करना है, आपको ध्यान रखना है ये जो आप टेबल बना रहे हैं, इस टेबल में नेमिंग आपको इस तरह से करना है कि जो आपकी की इनिशियल स्टेट गिवन है आपके DFA के अंदर, वहाँ से आप शुरू कीजिए. यहाँ पर इस तरह से क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, लाइक दिस. ओके, और फिर जो आप यहाँ से नेमिंग करेंगे वो आप जस्ट इसके बाद वाली स्टेट से शुरू करेंगे, विच इज़ क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, कुछ इस तरह से. ओके, सो ये नेमिंग कन्वेंशन आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो है किस तरह से इसको ड्रॉ करना है. ओके, सो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट सीक्वेंस में नाम लिख दीजिए, और फिर इसके बाद इनिशियल स्टेट को छोड़कर फिर यहाँ से नेमिंग कर दीजिए. ओके, सो ये जो आपका टेबल है, अब इस टेबल को आपको फिल करना है. फिल करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो फाइनल हैं और कौन कौन सी नॉन फाइनल हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे डायग्राम में, सो यू कैन सी हियर वी हैव थ्री फाइनल स्टेट्स इन दिस डायग्राम विच इज़ क्यू टू, क्यू थ्री एंड क्यू फोर. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर स्टेट्स हैं उनके आगे आप बस ऐसे लिख दीजिए, जैसे ये फाइनल है, फाइनल, फाइनल, एंड दिस इज ऑल्सो फाइनल. ऐसे यहाँ पर भी लिख दीजिए क्यू टू इज़ फाइनल, दिस इज़ फाइनल, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फाइनल. तो ये हम याद करने के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लिखना है, बस ये हम अपने ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए लिख रहे हैं. इसके बाद जो हम अगला काम करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप होगा दैट इज़, अब आपको इसमें जो है फिलिंग करनी है. फिलिंग कैसे करनी है, सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि जो भी नॉन फाइनल और फाइनल स्टेट वाले सेक्शंस हैं आप उनमें क्रॉस लगा दीजिए. जैसे कि ये और ये भी नॉन फाइनल है, ये भी नॉन फाइनल है, नहीं लगाना है. ये फाइनल है, ये नॉन फाइनल है, सो क्रॉस कर दीजिए. फिर आप देख सकते हैं ये फाइनल वाला सेल है फाइनल स्टेट का, ये नॉन फाइनल स्टेट का है. तो ये सेल कौन सा हो गया, क्यू टू, क्यू वन, विच इज़ फाइनल एंड नॉन फाइनल, यहाँ क्रॉस लगा दीजिए. फिर ये फाइनल है, ये नॉन फाइनल है, ये फाइनल स्टेट है, ये नॉन फाइनल है, क्यू थ्री इज़ फाइनल, क्यू टू इज़ ऑल्सो फाइनल, नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा. मेक इट एज क्रॉस, फाइनल, नॉन फाइनल, दिस वन इज ऑल्सो क्रॉस्ड, ये नॉन फाइनल है, ये फाइनल है. ओके, अगर यहाँ से शुरू करें तो ये नॉन फाइनल, नॉन फाइनल, नहीं लगाना है, नॉन फाइनल, नॉन फाइनल, नहीं लगाना है, नॉन फाइनल, फाइनल, क्रॉस कर दीजिए, नॉन फाइनल, फाइनल, क्रॉस कर दीजिए, नॉन फाइनल, फाइनल, क्रॉस कर दीजिए. तो इनिशियली जो हम पहले स्टेप में जो क्रॉस लगाते हैं वो इस बेसिस पे लगाते हैं, नॉन फाइनल और फाइनल वाला कॉम्बिनेशन देखकर. या देख सकते हैं हमने कई सारी स्टेट्स जो है, कई सारे सेक्शन जो है उनको हमने क्रॉस कर दिया है. ओके, अब हमें जो है ये जो बचे हुए सेल्स हैं, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इन सेल्स को ध्यान में रखना है, और हमें ये देखना है कि किस तरह से हम सिर्फ और सिर्फ इन सेल्स के अंदर जो है क्रॉस लगा सकते हैं, या कौन कौन से सेल्स हैं जिनको हम मर्ज कर पाएंगे आगे चल के. सो उसके लिए देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल नंबर और सेक्शन नंबर क्यू नॉट, क्यू वन की. सो दिस इज आवर सेकंड स्टेप, जिसमें हम पहला ले रहे हैं क्यू नॉट, क्यू वन. ओके, नाउ सी है सेकेंड, फर्स्ट वन इज क्यू नॉट, क्यू वन, हम इस सेल पर बात कर रहे हैं अभी. ओके, सो नाउ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट सेल क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू नॉट, क्यू वन, हम इस सेल पर बात कर रहे हैं. अब इस सेल में अगर हम देखें तो हमें ये चेक करना है कि इसमें क्रॉस लगेगा या नहीं लगेगा.
अब अगर हम इसके लिए चेक कर रहे हैं तो हम सबसे पहले इनपुट देखेंगे। सबसे पहली स्टेट है हमारी Q0 स्टेट पर इनपुट है हमारा 0। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा ट्रांजिशंस क्या क्या हैं। Q0 पर 0 का ट्रांजिशन Q1 पर जा रहा है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेट इज Q1। अब हम चेक करेंगे Q1 स्टेट पर 0 का ट्रांजिशन कहाँ है। नाउ एट Q1 स्टेट फॉर 0 ट्रांजिशन इज एट Q0। हमें ये दो स्टेट्स मिल गई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो दो स्टेट्स हमें मिली हैं, इन दोनों स्टेट्स का जो सेल नंबर है हमें उसको देखना है, Q1 Q0। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, Q1 Q0 ढूंढिए जरा, इसमें कौन सा सेल होगा Q1 Q0। तो Q0 तो ये रहा, Q1 ये रहा, मतलब ये वाला सेल है वो। अब अगर आप देखें तो हम तो इसी सेल के लिए जो है आइडेंटिफाई कर रहे थे, और हमें पता चला कि हम जिस सेल के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका बेस यही सेल है। तो अगर हम देखें कि हम इस पर क्लॉस लगाएंगे या नहीं, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, वो इस पर डिपेंड कर रहा था। अब जब इधर ही इसी सेल में क्रॉस है ही नहीं, मतलब सेम सेल आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम इस पर क्रॉस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। हमारे पास एक इनपुट और है, अब हम उस पर जाएंगे Q0 with 1, अगले इनपुट के लिए चेक करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर Q0 with 1 ट्रांजिशन एट Q2 पर जा रहा है, एंड Q1 with 1 ट्रांजिशन एट Q3, ये Q3 पर जा रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कौन सी दो स्टेट्स आ रही हैं, Q2 और Q3। अब यहाँ देखिएगा Q2 और Q3, दिस इज Q2 एंड दिस वन इज Q3। अगर आप यहाँ से Q2 देखेंगे तो फिर आपको Q3 वाला सेल नहीं मिलेगा, ओके। तो आप किसी भी तरफ से देखें आपको सेल एक ही मिलेगा हमेशा, चाहे आप इसको Q2 Q3 बोलें या Q3 Q2 बोलें, सेल एक ही होगा हमेशा, Q2 Q3, दिस इज द सेल। क्या यहाँ क्रॉस लगा है, हमने इस सेल को चेक किया, हमें यहाँ क्रॉस नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेल के लिए हम चेक कर रहे थे वो सेल में क्रॉस नहीं आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, हम इसको टिक कर देंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेल विच इज सेल नंबर Q2 Q3, ओके Q2 Q3। चलिए अब अगर हम Q2 Q3 सेल को देखें तो हमें सबसे पहले देखना होगा Q2 पर 0 के लिए और साथ ही साथ Q3 पर 0 के लिए। हम इन दोनों स्टेट्स पर सेम इनपुट के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, ओके। सो Q2 पर 0 के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q2 पर 0 का ट्रांजिशन जा रहा है Q4 पर, देख सकते हैं हम Q4। सिमिलरली Q3 पर 0 का ट्रांजिशन जा रहा है Q4 पर, सो यू कैन Q4। ये जो दो स्टेट्स आई हैं, आई कैन सी, अब आपको इस सेल में देखना है Q4 Q4। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको स्टेट सेम मिल रही हैं, दोनों के आउटपुट में सेम स्टेट मिल रही हैं, तो आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा इस टेबल का जिसमें जो है सेम स्टेट वाला सेक्शन आया है, ओके। सो Q4 Q4 नाम का कोई भी सेल इसमें अवेलेबल ही नहीं होगा अगर आपने टेबल सही बनाई है। सेम नेम जो है ना रो में और कॉलम में, ठीक है, ऐसा कोई भी सेल नहीं मिलेगा। Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4, ऐसा कोई भी सेल आपको अवेलेबल कभी नहीं होगा, क्लियर है। सो अगर ऐसा कोई सेल मिल रहा है तो इसका मतलब हमें यहाँ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि ऑलरेडी हम देख सकते हैं सेम सेल है, सेल ही नहीं होगा तो फिर क्रॉस कहाँ से होगा। देन द नेक्स्ट इज Q2 with 1। चलिए Q2 पर 1 के लिए अब हम चेक करते हैं, Q2 पर 1 के लिए जा रहा है Q5 और Q3 पर 1 के लिए जा रहा है Q5। ओके, सो Q2 पर 1 के लिए Q5 और साथ ही साथ Q3 पर 1 के लिए Q5। अब आप फिर से वही बात आ गई है कि Q5 और Q5 दोनों सेम स्टेट हैं, मतलब अगर हम इस सेल को ढूंढेंगे, इस नाम का कोई सेल Q5 नाम का कोई सेल अगर हम देखते हैं, सर्च करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर टेबल में अवेलेबल होगा ही नहीं, चाहो तो देख लीजिए।
Q5 ये है लेकिन Q5 यहाँ नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ऐसा कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब Q2 और Q3 इन दोनों स्टेट वाला जो सेल था ये, जिसके लिए हम चेक कर रहे थे कि यहाँ क्रॉस आएगा या नहीं, उसके लिए पहले हमने जीरो इनपुट देखा, हमें स्टेट Q4 मिली, मतलब क्रॉस नहीं मिला। फिर सेम स्टेट्स मिल गई वन के लिए, तब भी हमें क्रॉस नहीं मिला, इसका मतलब जिस सेल के लिए हम चेक कर रहे थे वहाँ पर अब हम टिक मार्क कर देंगे कि हमने इसको विजिट कर लिया, हमने इसको देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेल इज Q2 Q4। अब इसको Q4 Q2 बोलिए या Q2 Q4 बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट Q2 पर जीरो के लिए, अब अगर हम ध्यान से देखें Q2 पर जीरो के लिए, Q2 पर जीरो का ट्रांजिशन है Q4 पर, ओके। देन Q4 स्टेट Q4 पर जीरो के लिए, Q4 पर जीरो का ट्रांजिशन है Q4 पर ही। अब फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पर सेम स्टेट आ रही है Q4 Q4, दैट मीन्स ऐसा कोई सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्रॉस देख ही नहीं सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले इनपुट के लिए Q2 पर वन के लिए, Q2 पर वन के लिए Q5, और नेक्स्ट स्टेट इज Q4 विथ वन इनपुट, इट विल बी Q4 पर वन के लिए इट इज Q5 अगेन। इन वी कैन सी हियर सेम स्टेट्स। अब अगर फिर से सेम स्टेट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि Q5 सर्च करें, Q5 कोई स्टेट ही नहीं, कोई सेल ही नहीं है, अगेन मतलब Q4 कोई सेल नहीं है। देख सकते हैं आप Q4 कोई सेल अवेलेबल नहीं है, Q5 कोई सेल अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा जो है, यहाँ भी क्रॉस नहीं मिला, यहाँ भी क्रॉस नहीं मिला, इसका मतलब Q2 और Q4 जिस सेल के लिए हम सर्च कर रहे थे कि क्रॉस आएगा या नहीं, उसमें भी क्रॉस नहीं आएगा। सो वी कैन मार्क इट एज टिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेल है हमारा Q4 Q3, या जिसको हम कह सकते हैं Q3 Q4, ओके। Q3 विद जीरो, नो, अब Q3 पर जीरो के लिए देखिए, जिस Q4 पर जीरो के लिए देखिए, Q4 itself, अब फिर से वही चीज़ आ गई, Q4 फिर से सेम स्टेट Q4 आ रही हैं। अगर हम सेल सर्च करेंगे तो Q4 नाम का कोई सेल्स नहीं मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं Q3 पर वन इनपुट, यानी कि अगले इनपुट के लिए देखते हैं Q3 for 1 इट इज़ Q5, एंड Q4 for 1 इट विल बी is also Q5, okay, Q4 for 1 is Q5, okay. So we have again get the same state, so there is no cross will be found in the cell, okay. So in that case again Q4 जिस state के लिए हम search कर रहे थे वहाँ हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि search कर लिया है तो हम इसको tick कर देंगे, क्योंकि दोनों ही inputs के लिए Q3 और Q4 state पर दोनों inputs के लिए हमने देख लिया कोई cross हमें नहीं मिला, यानी कि जो सेल हमें मिल रहा है वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज सेल नंबर Q0 Q5, ओके, कैन सी हियर Q0 Q5 ये वाला सेल है Q0 Q5। चलिए अब अगर हम देखें Q0 Q5 पर सेम स्टेप्स, Q0 विद जीरो दिस इज Q1 and Q5 with zero, अगर हम Q5 पर बात करें सो दिस इज Q5। नाउ अब चेक करना है हमें Q1 Q5 कौन सा सेल है Q1 Q5 जो यहाँ आ रहा है हमें, दिस इज Q1 सेल विद Q5, ये वो सेल है, ओके।
क्या यहाँ क्रॉस लगा है? नहीं, इस सेल में क्रॉस नहीं लगा है। हम चेक कर रहे हैं इसको, और इसका बेस है ये वाला सेल, ओके, Q1 Q5, बट यहाँ पर क्रॉस नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, Q0 विथ 1 और Q5 विथ 1। नाउ Q0 विथ 1, Q0 पर 1 का ट्रांजिशन Q2 पर है, और Q5 पर 1 का ट्रांजिशन Q5 पर है। सो नाउ यू कैन सी Q2 और Q5 ये वाला सेल आ रहा है। Q2 Q5 या Q5 Q2 कुछ भी बोल दीजिए, आप सर्च करेंगे तो एक ही सेल मिलेगा। दैट विल बी, आप इधर से देखेंगे Q2 Q5, और अगर Q5 Q2 देखेंगे तो भी यही है, ओके, Q2, ठीक। सो Q2 Q5 वी हैव क्रॉस्ड हियर। अब अगर यहाँ क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब हम जिस सेल Q0 Q5 के लिए चेक कर रहे थे वहाँ भी क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से वी कैन मार्क दिस प्लेस टू बी क्रॉस्ड, ओके। सो ये आपका Q5 और Q0 के लिए हो गया। अब हम एक फाइनल देख लेते हैं नेक्स्ट, विच इज सुनो, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, आखिरी सेल जो हमारा बचा है जिसको हमें चेक करना है, दिस इज Q1 Q5, इस सेल को हमें चेक करना है। हम वापस आते हैं, ओके। सो Q1 Q5 सेल नंबर Q1 Q5। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं Q1 पर इनपुट 0 के लिए। Q1 पर इनपुट 0 के लिए अगर हम देखें तो Q1 पर इनपुट 0 जा रहा है Q0 पर, Q0 पर। ऐसे ही अगर हम बात करें Q5 पर, सो Q5 स्टेट पर 0 के लिए विच इज Q5, ओके। सो विद दिस डायग्राम यू कैन सी Q0 पर Q1 पर 0 के लिए Q0 और Q5 पर 0 के लिए Q5। सो एज पर दिस कन्वेंशन वी कैन सी वी हैव द सेल, वी गॉट द सेल Q0 Q5। हमें जो सेल मिल रहा है दैट इज Q0 Q5, हमें Q0 Q5 सेल मिल रहा है। अब अगर हम इसको सर्च कर रहे हैं हमारे यहाँ इस टेबल में, सो दिस इज Q0 Q5 सेल, ये है वो Q0 Q5 सेल। अब अगर हम देखें तो Q0 Q5 सेल पर अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले में ही क्रॉस लगाया है। सो अगर क्रॉस अवेलेबल है सो दैट मीन्स हम जिस सेल के लिए सर्च कर रहे हैं उसमें हमें क्या कर देना है, क्रॉस लगा देना है, ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से वी कैन मार्क इट एज क्रॉस। तब आप चाहें तो आगे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए कि Q1 पर 1 का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है। Q1 पर 1 का ट्रांजिशन अगर आप देखें तो Q1 पर 1 का ट्रांजिशन Q3 पर है, और Q5 पर 1 का ट्रांजिशन Q5 पर ही है। अब आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं Q3 और Q5, ठीक है। नाउ Q3 Q5 कौन सा सेल होगा इसमें? अगर हम इस तरह से देखेंगे Q3 Q5 तो नहीं मिलेगा, अगर हम इस तरफ से देखेंगे Q3 Q5 तो हमें ये मिल जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड Q3 Q5 सेल। सो वी कैन सी हियर क्रॉस लगा हुआ है, तो दैट मींस हमने ये कंफर्मेशन भी ले लिया कि हमने
अगर एक इनपुट के लिए क्रॉस मिल रहा है तो दूसरे के लिए भी क्रॉस मिलेगा ही, अगर आपको दूसरे पर क्रॉस नहीं मिल रहा है, सो दैट मीन्स अगर पहले में मिल गया तो दूसरे में मिलेगा। ओके नाउ द नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने सारे सेल्स को जो है यहाँ वेरीफाई कर लिया है, सारे सेल्स को हमने चेक कर लिया है, सारे सेल्स हमने देख लिए कि इसमें क्रॉस आएगा या टिक लगेगा। इसके बाद अब अगला स्टेप जो आएगा हमारा, दैट इज हमें जो है अब चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं जिनको हम मर्ज करके इसको मिनिमाइज फॉर्म में ला सकते हैं। ओके सो फॉर दिस यू कैन सी जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ है, जो जो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग टिक लगा हुआ है हम उनको पहले यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारा तीसरा स्टेप है, स्टेट इक्विवेलेंस, या यूं कहें कि इक्विवेलेंट स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ओके सो यू कैन सी हियर ये सेल है जिसमें टिक लगा हुआ है, सो क्यू नॉट और क्यू वन, सो यू कैन से क्यू नॉट इज इक्विवेलेंट टू क्यू वन स्टेट। ये हमें इस डायग्राम से जो हमने अभी फिलिंग की है इसके थ्रू हमें पता चला। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज ये टिक लगा हुआ है Q2 और Q3, सो वी कैन से दैट Q2 इज इक्विवेलेंट टू Q3, Q2 जो है वो Q3 के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही हम देखें तो यहाँ पर भी जो है टिक लगा हुआ है, सो दैट मीन्स वी कैन से Q2, अब अगर यहाँ सेल देखें तो कौन सा सेल है, Q2 और Q4, Q2 इज इक्विवेलेंट टू Q4, ओके एंड द लास्ट वन इज Q3 और Q4, ये एक सेल है Q3 Q4, सो सिमिलरली Q3 इज इक्विवेलेंट टू Q4। तो ये हमने देखा है कि इस डायग्राम में जहाँ जहाँ चार जगहों पर टिक लगे हुए थे वो चार जो सेल हैं उन सेल की स्टेट्स को हमने यहाँ लिखा है, जो कि ये बताता है क्योंकि जब हम इसको फिल कर रहे थे तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि आइडेंटिकल नेचर की हैं, यानी कि आइडेंटिकल हैं, या जिनका बिहेवियर अगर हम इस डी एफ ए के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो उनका बिहेवियर सेम होगा। ओके सो यू कैन से Q0 और Q1 ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनका बिहेवियर सेम है, Q2 और Q3 ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनका बिहेवियर सेम है। ऐसे ही अगर हम देखें तो Q2 और Q4 भी दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनका बिहेवियर सेम है। अब अगर एक चीज़ यहाँ आप ध्यान दें, सो ये जो तीसरा है, ये जो तीसरी सॉरी ये फोर्थ नंबर पर जो हमने इक्विवेलेंस लिखा हुआ है, ओके ये जो है ये ट्रांजिटिविटी से भी आ रहा है। अगर आप देखें तो Q2 इज इक्विवेलेंट टू Q3 एंड Q2 इज इक्विवेलेंट टू Q4, यानी कि Q2 जो है Q3 के बराबर है और Q2 है Q4 के बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q3 और Q4 भी बराबर होने चाहिए, ऑब्वियस ही बात है Q3 इज इक्विवेलेंट टू Q4। सो यानी कि अगर हम कंक्लूजन निकालें सो वी कैन से दैट ये जो तीन स्टेट्स हैं ये तीनों स्टेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ओके एंड Q0 और Q1 जो है वो आपस में इक्विवेलेंट हैं। So, we can merge states Q0 with Q1 and Q2 with Q3 and Q4। ओके सो Q0 और Q Q1 ये दो स्टेट्स मर्ज की जा सकती हैं, क्योंकि अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो हम इनको अलग अलग स्टेट्स क्यों बनाएं, अगर ये दोनों स्टेट्स सेम बिहेवियर है सेम आइडेंटिकल नेचर की हैं तो हम इन दोनों स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं। सो इसी तरह से तो मिनिमाइज करेंगे, तो Q0 Q1 ये दोनों इनका जो नेचर है सेम है, दोनों इक्विवेलेंट नेचर की हैं तो हम इनको मर्ज कर देंगे, और Q2 Q3 Q4 ये तीन स्टेट्स ऐसी थी जिनका नेचर सेम है तो हम इनको मर्ज कर देंगे। ओके सो Q0 Q1 अब अगर हम इनको मर्ज करते हैं तो हमारे पास जो स्टेट बनेगी, सो वी हैव वी कैन ड्रॉ द डायग्राम हियर एज ये हमारा
चौथा स्टेप है वी कैन से, जिसमें हम जो है स्टेट डायग्राम बना रहे हैं, मिनिमाइज्ड डीएफए, जो डीएफए में बनाना था, ठीक है। सो हमारे पास ये जो दो स्टेट्स हुआ करती थी, इन दोनों को हम मर्ज करके एक ही स्टेट बनाएंगे। यू कैन से वी हैव वन सिंगल स्टेट कॉल्ड क्यू नॉट क्यू वन। फिर ये जो तीन अलग अलग स्टेट्स हुआ करती थी, इन तीनों को भी हम मर्ज करके एक ही स्टेट बना देंगे, क्यू नॉट क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर। सो यू कैन से दैट सो सिंगल स्टेट क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हम नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, इसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, ओके, क्योंकि ये तीनों मर्ज करके एक स्टेट बन गई हैं। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो इसका मतलब ये तीनों अलग अलग, ठीक। सो क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ये एक मिलकर एक स्टेट का नाम हो गया, क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर। देन द नेक्स्ट इज क्यू फाइव स्टेट, ओके। तो ये हमारे पास तीन स्टेट्स बची। देखिए ये दोनों मर्ज हो गई, एक स्टेट बन गई, ये तीनों मर्ज होकर एक स्टेट बन गई और ये अलग हो गई। तो ये इस तरह से हमारे पास ये तीन स्टेट, जिसमें से ये इनिशियल स्टेट थी हमारी क्यू नॉट, क्योंकि इनिशियल स्टेट है तो क्यू नॉट को हम इनिशियली रखेंगे, ओके। अब हमें बनाने हैं ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस कैसे बनेंगे? ट्रांजिशंस नहीं बदलेंगे, वो हम यहीं से देखकर बनाएंगे। हमने अभी इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्या आइडेंटिफाई किया है कि कौन सी स्टेट्स मर्ज की जा सकती हैं। अब हमें देखना है कि ट्रांजिशंस कैसे होंगे। तो क्यू नॉट पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू वन, क्यू नॉट पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू वन, तो क्यू वन तो यही है। सो दैट मीन्स क्यू नॉट पर जीरो का ट्रांजिशन जो बनेगा वो यहीं बनेगा। नाउ क्यू नॉट पर वन का ट्रांजिशन क्यू टू, सो क्यू नॉट पर, सो वी कैन सी हियर दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ मिनिमाइज्ड डीएफए। इस मिनिमाइज्ड डीएफए के अंदर जो है इसका स्टेट डायग्राम कैसा होगा वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि डायग्राम कैसे बना है। हमने देखा यहाँ पर दो स्टेट्स हैं, वी कैन मर्ज क्यू नॉट क्यू वन, क्यू नॉट विथ क्यू वन, एंड वी कैन ऑल्सो मर्ज क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर। वाई? बिकॉज दीज थ्री आर इक्विवेलेंट विथ ईच अदर। सो हमने क्यू नॉट और क्यू वन को मर्ज कर दिया और यहाँ क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर को मर्ज कर दिया, ओके। अब रही स्टेट क्यू फाइव, तो उसको हमने अलग लिख दिया है। देख सकते हैं आप, ये जो हमें गिवन डायग्राम था उसके अंदर क्यू नॉट और क्यू वन, ये दो स्टेट्स थी, हमने इन दोनों को मर्ज किया है, ओके। ट्रांजिशंस हम बाद में देखेंगे कि कैसे बने, मैं फिर से बता दूंगा। तो क्यू नॉट क्यू वन मर्ज करके हमने एक स्टेट बना दी है, इनिशियल स्टेट जिसमें क्यू नॉट थी तो क्यू नॉट ही रहेगी। देन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ये तीन स्टेट्स जो थी इनको हमने मर्ज कर दिया है, तो ये तीन स्टेट्स जो है मर्ज होकर एक स्टेट बन गई हैं। इसके बाद आखिरी में बचती है, ये दोनों हो गई, ये तीनों हो गई, बची ये वाली स्टेट, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब ये ट्रांजिशंस कैसे बने हैं? तो क्यू नॉट पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू वन पर है। वी कैन सी हियर क्यू नॉट पर जीरो के लिए ट्रांजिशन क्यू वन पर है, तो यही रहेगा। क्यू नॉट पर वन का ट्रांजिशन क्यू टू है, सो क्यू नॉट पर वन का ट्रांजिशन क्यू टू यहाँ है, इसलिए यहाँ पर चला जाएगा। अब अगर हम चाहें तो इस ट्रांजिशन को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्यू वन पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू नॉट, सो क्यू वन पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू नॉट। ऐसे ही क्यू वन पर वन का ट्रांजिशन क्यू थ्री, सो क्यू वन पर वन का ट्रांजिशन क्यू थ्री यहाँ आ रहा है, ओके। सो वी कैन सी हियर कि क्यू नॉट और क्यू वन दोनों के लिए हमने जब दोनों इनपुट्स को देखा तो इनका जो बिहेवियर था वो सेम था, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें स्टेट्स का बिहेवियर या नेचर चेक करना होता है कि कौन सी स्टेट्स सिमिलर हैं या इक्विवेलेंट नेचर की है। देन नेक्स्ट इज क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, ये तीन स्टेट्स हैं। अब हमें ये देखना है कि क्यू थ्री क्यू फोर इनमें से किसी भी एक स्टेट पर आप इनपुट के लिए देख लीजिए। क्यू टू पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू फोर, क्यू फोर क्यू टू पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू फोर, सो ये यहाँ आ जाएगा। देन क्यू थ्री क्यू टू पर वन का ट्रांजिशन वी कैन सी हियर दिस इज क्यू फाइव, सो क्यू टू पर वन का ट्रांजिशन क्यू फाइव पर जा रहा है, सो क्यू टू पर वन का ट्रांजिशन क्यू फाइव पर जा रहा है। अब आप चाहें तो इन दोनों स्टेट्स के लिए सेम इनपुट्स के लिए वेरीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि क्यू थ्री पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू फोर, तो क्यू थ्री पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू फोर, क्यू थ्री पर वन का ट्रांजिशन क्यू फाइव यहाँ आ रहा है। ऐसे ही क्यू फोर, क्यू फोर पर जीरो का ट्रांजिशन क्यू फोर, ओके, एंड क्यू फोर पर वन का ट्रांजिशन क्यू फाइव, तो ये अब देख सकते हैं हमने तीनों स्टेट्स के लिए दोनों इनपुट सिंबल्स चेक कर लिए, ट्रांजिशन बदले नहीं, ट्रांजिशन जो थे वही रहे,
दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड, ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये मर्ज हो सकती हैं, ये हमने कर दी इसीलिए। देन क्यू फाइव पर 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन एक ही स्टेट पर था तो हमने उनको यहीं रख दिया। तो ये जो है ये स्टेट डायग्राम हो गया आपका इस इक्विवेलेंट मशीन के लिए, इस DFA के करस्पॉन्डिंग। तो ये मिनिमाइज हो गया, इसमें देख सकते हैं आप 6 स्टेट्स थी, इसके अंदर 3 स्टेट्स हैं, तो ये मिनिमाइज DFA। अब आपको करना क्या है कि ऑफिशियली आपको इसको फॉर्मली डिफाइन करना है। ओके, सो फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ दिस DFA जो हमने अभी यहाँ ड्रॉ किया है, इसको हम यहाँ फॉर्मली डिफाइन करते हैं। द लास्ट स्टेप दैट वी कैन से, 5th one, द फॉर्मल डेफिनेशन। द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द DFA is with the help of 5 tuples, we can say DFAD, which is having the 5 tuples as Q naught, okay, and the set of input alphabets, we have the set of final states and the transition function. Now at Q, अब अगर हम देखें स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सो क्यू नॉट क्यू वन ये एक स्टेट है। सो अब क्योंकि हम DFA में 2 स्टेट्स को अगर मर्ज करते हैं, एक बनाते हैं, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। ओके, देन Q2 Q3 Q4, सो ये इस तरह से लिखा जाएगा। Q2 सॉरी, कॉमा ही नहीं लगाना है, ध्यान रखना है हमें कॉमा नहीं लगाना है। ओके, Q2 और फिर ये कॉमा नहीं लगेगा, ये Q3 आएगा और फिर Q4 स्टेट आएगी। इस तरह से, ओके, देन द लास्ट स्टेट इज Q5, ये Q5 हो गया। नाउ सो वी आर फॉर्मली डिफाइनिंग द DFA विच इज D Q Q0, set of input alphabets, F the set of final states and transition function. Then अब अगर हम बात करें क्यू के लिए, तो क्यू के लिए देख सकते हैं यहाँ पर Q0 Q1 जो दोनों हैं ये सेम स्टेट्स हैं, तो मर्ज करके हम ऐसे लिखेंगे इसको। Q2 Q3 Q4 दोनों तीनों को मर्ज करके हमने इस तरह से लिख लिया। Q5 अकेली स्टेट है तो ये अलग, ये हमारे पास कुल मिला के 3 स्टेट्स हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द सेट ऑफ स्टेट्स। देन अब अगर हम यहाँ इनिशियल स्टेट की बात करें, तो यहाँ एक्चुअल में Q0 जो है हम जनरली यूज़ करते हैं इनिशियल स्टेट के लिए। ओके, बट हमारे इस DFA के केस में हमने जो नाम दिया है वो Q0 नहीं है, दैट इज Q0 Q1, इनको मर्ज करके जो स्टेट बनी है वो है। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट Q0 Q1, ओके, वेयर Q0 Q1 the part of Q. When the set of input alphabets, अब अगर हम देखें input alphabets को, so set of input alphabets में 0 और 1, then F which is the final state, so you can see here, अब हमें ये देखना है कि इनमें से final states कौन कौन सी होंगी। So now in this DFA, Q2, Q3, Q4, ये तीनों states final हैं। अब ये तीनों states कहाँ आ रही हैं, so you can see here, so this is the final state, okay? अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब आप इस तरह से minimize कर रहे होंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी नॉन फाइनल और फाइनल स्टेट का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ओके, कभी भी फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट जो होती हैं उनका बिहेवियर, उनका नेचर रिगार्डिंग द इनपुट्स, रिस्पेक्टिव इनपुट्स, वो कभी भी सेम नहीं होता है। सो कभी भी मर्ज होंगी तो नॉन फाइनल स्टेट्स ही मर्ज होंगी, और या फिर फाइनल विथ फाइनल मर्ज होगी। कभी भी कोई नॉन फाइनल किसी फाइनल के साथ मर्ज नहीं होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फाइनल विथ फाइनल मर्ज करते टाइम। ठीक है, कि फाइनल विथ फाइनल ही मर्ज होगी और नॉन फाइनल विथ नॉन फाइनल मर्ज होगी। सो ये तीनों फाइनल स्टेट्स मर्ज होकर एक ही स्टेट बन गई हैं।
Okay, so we can say the set of final states we have here as in the set of final states we have only one state as final, which is Q2, Q3, Q4. इन तीनों को मर्ज करके एक स्टेट बनी है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. ओके, सो यू कैन से ये एक ही स्टेट है, ध्यान रखिएगा. ओके, ये तीन अलग अलग नहीं है. देन द ट्रांजिशंस. अब अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें तो ट्रांजिशंस हमारे क्या बनेंगे, कुल मिला के तीन तो स्टेट हैं हमारे पास. ट्रांजिशन एट Q0, Q1 विथ 0, Q0, Q1 विथ 1. ओके, सो अगर हम 0 की बात करें तो दिस इज Q0, Q1. अगर हम 1 की बात करें सो दिस इज Q2, Q3, Q4. Then next Q2, Q3, Q4. इस पर 0 इनपुट के लिए, और फिर Q2, Q3, Q4 इस पर 1 इनपुट के लिए. ओके, हम दोनों के लिए चेक करेंगे. अब अगर हम देखें 0 के लिए सेम Q2, Q3, Q4 सेम स्टेट, बट फॉर 1 Q5. ओके, देन ट्रांजिशन एट Q5 विथ 0. Q5 पर 0 का ट्रांजिशन Q5 पर ही है, और ट्रांजिशन एट Q5 विथ 1 दैट विल बी Q5 ऑल्सो. सो Q5. You can see here, this is the formal definition of this minimized DFA. Okay, so ये हमारा minimized DFA है, जो कि हमने किसके corresponding बनाया है, इस DFA के corresponding with this table filling algorithm. Thank you so much.